स्टूडेंट्स, अभी हम पेपर ए साल कर रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी का। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इंग्लिश कंपलसरी पेपर बी पे जाएंगे। याद रहे कि हमने बीए बीएससी 2019 का एग्ज़ाम जो हुआ है उसके तमाम पेपर्स को सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉल्व पेपर बर वक्त वीडियोस मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके सामने है इंग्लिश कंपलसरी का पेपर ए। इसका क्वेश्चन भी आपको गिवन है, उसका पार्ट नंबर भी गिवन है, क्वेश्चन नंबर भी गिवन है, और साथ ही उसका ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट एंड सूटेबल इन लेंथ आंसर भी आपको गिवन है। ये आंसर आप अगर ये क्वेश्चन पेपर में दोबारा आ जाता है तो बेफिक्र होकर लिख लीजिए, और याद रहे कि इस आंसर को आपने एज इट इज़ लिखना है। अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐड या सब प्रैक्टिस में से नहीं करनी, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसकी आपको आंसर भी गिवन है, यानी समरी एक्सप्लेनेशन, सारा जो आंसर है आपको मुकम्मल गिवन है, और इस आंसर को आप एज इट इज़ लिख लीजिएगा। अपनी तरफ से ऐड नहीं करना कुछ भी। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगे कि ये तो इंतहाई शार्ट आंसर्स लिखे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, शार्ट नहीं है। ये जितनी क्वेश्चन की लेंथ बनती है उतने ही आंसर हैं। क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है वो मुकम्मल इस आंसर में बता दी गई है, तो आपने बिला किसी भी किस्म की टेंशन लिए कि ये तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नंबर कंप्लीट जितने हैं क्वेश्चन के वो मिल जाएंगे। तो आप बजाय इसके कि बहुत लंबा आंसर लिखें और उसमें अपनी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएँ तो और नंबर मज़ीद कट जाएँ मिलने की बजाय, तो आप बस इतना ही आंसर लिखिएगा।